दिल्ली फिर प्रदूषण की जद में है, मतलब दिल्ली की हवा खराब है। ऐसे में कुछ सवाल है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण समस्या आपकी व्यक्तिगत समस्या है या फिर ये एक राजनीतिक समस्या है? हमारी वरिष्ठ संवाददाता सुचंद्रिमा के इस सवाल पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सेलिब्रेशन का मौका जब भी आ जाता है, नई दिल्ली में पोल्यूशन की चर्चाएं शुरू हो जाती है और ये हर साल बढ़ते हुए प्रदूषण को लेके चिंता जो व्यक्त करते हैं आम नागरिक, उनके जीवन में ये सवाल आज भी उठते हैं कि ये जो प्रदूषण की बातें हम हर साल करते हैं, ये क्या एक निजी समस्या है या फिर पॉलिटिकल? दिल्ली में प्रदूषण एक जटिल समस्या है जिसके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह के प्रयास की जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो ये प्रदूषण का जो मुद्दा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सभी की जिम्मेदारी है, सरकार के साथ साथ हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। हमें भी अपने लेवल पे इन चीज़ों को लिए सचेत रहना चाहिए और एक जो भी कदम उठा सकते हैं उठाना चाहिए। जाहिर है दिल्ली की हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन की तय सीमा से 20 गुना अधिक है। एवरेज AQI 25 होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली का AQI 470 के पार है। इसकी वजह औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों और अपशिष्ट जलन है। दिल्ली में 70% जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं वो सब उसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठा होता है। मतलब वो अब हम सबको पता है, दिल्ली की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो लोगों को गाड़ी में ज़्यादा मज़ा आता है चलने में, लेकिन फिर भी जाम से भी सबको दिक्कत है, लेकिन गाड़ी भी सबको निकालनी है। और मेजॉरिटी तो मेरे हिसाब से गाड़ियाँ ही हैं पोल्यूशन में जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, उसके अलावा तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि व्यक्तिगत कार्रवाई महत्वहीन लग सकती है, सामूहिक प्रयास से ही फर्क पड़ेगा। कुछ व्यक्तिगत योगदानों में शामिल है सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों से ऊर्जा की खपत को कम करना, अपशिष्ट जलाने को कम करने के लिए उचित अपशिष्ट निपटान, प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करने वाले संगठनों को प्रोत्साहन। मैं कहना चाहता हूँ सरकार का जो महत्वपूर्ण जो रोल है कार्य है, उसको तो अपना ईमानदारी से निभाना चाहिए ना। जब वो बजट लेती है जनता के नाम से, उस बजट से उसका इस्तेमाल भी उसको पोल्यूशन के ऊपर करना चाहिए। पर अफसोस है कि हमारे देश जो भारत है, ये दिल्ली है, ये राजधानी है, यहाँ के हमारे जो प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के, वो पत्नी कैसे चुन के 2-3 बार आ चुकी है और आज तक 10-11 साल में पोल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। सरकार निगमों और व्यक्तियों को प्रभावी समाधान विकसित कर और उसको लागू करने के लिए सहयोग करना होगा, तभी बात बनेगी, तभी बनेगी स्वस्थ दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली। तो प्रदूषण एक सिर्फ सरकार की तरफ उंगली उठाने का एक मुद्दा नहीं रह गया है, ये खुद को शिक्षित करना, सबको जागरूक करना, इस बारे में भी सिर्फ बुजुर्ग नहीं, नई पीढ़ी भी ये सोच रखती है। नई दिल्ली से कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं सुचंद्रिमा, भारत एक्सप्रेस।